गाइस पट लवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं हूँ अभी अपनी कॉलोनी के अंदर, और कॉलोनी के अंदर से हम वीडियो शूट कर रहे हैं। आए हैं हम आज एक काम के लिए, और आपको पता ही है मेरे कॉलोनी के अंदर कुछ वाइट कलर के बर्ड्स निकले हैं जिनको मैंने रोक रखा था। उनको हमने क्या करना है कि नेक्स्ट ब्रीड के लिए तैयार करना है और पूरी एक वाइट की कॉलोनी बनानी है जैसा कि आपको पता है। तो इसलिए जो भी वाइट मेरे यहाँ बर्ड्स निकल रहा है मैं उसको रोके ले रहा हूँ। अभी आपको 2 से 3 पीस जो है ना वाइट दिख रहे होंगे, जिसमें से एक फीमेल रेड आइज है। तो अभी हम आए हुए हैं इसी बर्ड्स को पकड़ने के लिए। अभी तो मुझे 2 ही नज़र आ रहे हैं, बट 3 बर्ड्स थे, वाइट एक कहाँ गया मुझे नहीं पता। अभी हमें 2 दिख रहे हैं और तीसरे को भी हम देखते हैं कहाँ, वो शायद पीछे कॉर्नर में बैठा हुआ है। तो ये 3 बर्ड्स हैं जो कि थोड़े अडल्ट हो गए हैं, और फीमेल जो है ना ये मटकी चूज़ कर रही है, लेकिन अभी ये बहुत छोटी है। तो अभी हम इससे अगर ब्रीड लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम जो है ना ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। और हम अभी चलते हैं इनको पकड़ते हैं। एंड गाइस कुछ मटकी की प्रोग्रेस है, वो भी जो है ना आपको हम दिखाना चाहेंगे, ताकि जो है ना हमारा जो नेक्स्ट क्लच है वो भी रेडी हो रहा है ब्रीडिंग। मतलब फीमेल जो है ना लगातार ये अंदर एक फीमेल बैठी है, दिख नहीं रही है, और उसने कई सारे एग्स ले किए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी फीमेल ने एग ले किए हुए हैं, और इधर साइड पे भी जो है ना कई सारे। ये तो खाली है, खैर इसकी जो फीमेल है वो बाहरी है। तो गाइस फ़िलहाल अभी हम जो है ना चलते हैं और बर्ड्स पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखिए वाइट कलर के जो बर्ड्स हैं एकदम बेहतरीन वाले, उन्हीं को जो है ना हम अलग करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये देखिए एक रेड आइज है, पूरी वाइट है और बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त है। एंड गाइस इस साइड एक मेल है, इस तरह के तो कई हैं मेरे पास, और ये थोड़ा ब्लैक में है जिसको भी हमने पकड़ा है। तो गाइस फाइनली एक बर्ड्स को हमने नेट में पकड़ लिया है, और हम जो है ना अब इसको केज में ले जा करके छोड़ेंगे। छेद जो है ना जहाँ पे मैंने वाइट बर्ड्स रख रखे हैं, मतलब मेरे जहाँ पे वाइट बर्ड्स है ना, हम वहाँ पर भी इनको जो है ना शिफ्ट करेंगे। गाइस ये वो वेल है जैसा कि जिसको भी हमने पकड़ा है, बहुत ही ज़्यादा ताकतफुल, ताकत लगा रहा है छूटने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा यार कलरफुल भी है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलते हैं हम जो है ना इसको उसमें छोड़ देते हैं, इससे पहले ये मुझे काटे। पकड़ना मैंने थोड़ा थोड़ा वैसे सीख लिया है बर्ड्स को, पर फिर भी अभी सही नहीं है, लेकिन हम जो है ना उससे पहले इसको छोड़ देते हैं। गाइस अब बारी है इस वाइट वाले की, हम इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा यार, इसको अभी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। पकड़ना कौन सा था और कौन सा गया, तो गाइस फाइनली ये भी आ चुका है। एंड बहुत ज़्यादा यार ताकत लगा रहा है ये निकलने के लिए, ये चाहता है कि ना बस हमको जल्दी से छोड़ दिया जाए, और चिल्ला भी काफ़ी ज़्यादा रहा है, शोर मचा रहा है। तो फाइनली हमने जो है ना कुछ बेबीज़ पकड़ लिए हैं, और अभी भी कुछ कॉलोनी के अंदर बेबीज़ हैं, जैसा कि ये आपको एक बेबीज़ दिख रहा है, और यहाँ पे एक फीड करा रहा है मेल, ये एक बेबीज़ है। तो गाइस अभी जो है ना लगातार ब्रीडिंग हो रही है, निकल रहे हैं बर्ड्स, और अभी हमने 3 बर्ड्स को जो कि बहुत ज़्यादा कलरफुल हैं उनको अलग किया, और उनको जो है ना एक अलग जगह पर शिफ्ट कर देंगे, और कुछ टाइम बाद इस कॉलोनी में आपको नज़र आएंगे सिर्फ और सिर्फ वाइट बर्ड्स नेक्स्ट ब्रीड में इंशाल्लाह। और टाइम पे हम यही करने वाले हैं, हम जो है ना बेहतरीन ज़बरदस्त कलर के जो बर्ड्स हैं उनको यहाँ पे रखेंगे और उनसे ब्रीड लेंगे। एंड गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं ये 3 कलरफुल बेबीज़ हमने पकड़ लिए हैं, और पकड़ के हम जैसा कि आपको पता है ये केज मेरा जिसमें हमने कुछ और कलरफुल बर्ड्स रख रखे हैं, उसी के अंदर हम इनको छोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है ना ये सब के सब एक जगह इकट्ठा रहें, और जब हम इनसे ब्रीड लें तो एकदम बेहतरीन ज़बरदस्त अच्छे कलर में हमको बर्ड्स मिले। इसी के लिए मैं जो है ना इनको इकट्ठा कर रहा हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं,
और ये सारे के सारे होम ब्रीड हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात ब्लड लाइन की, तो उस पर भी हम जो है ना ध्यान दे करके ही सारी चीज़ें करेंगे। कौन से बर्ड्स हैं, किसके हैं, ये मुझे अच्छे से पता है सारे की सारी चीज़ें, तो इसी वजह से जो है ना हम सारी चीज़ें देख करके ही करेंगे। फ़िलहाल अभी हम चलते हैं, इनको केज में छोड़ देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं विंटर टाइम चल रहा है, विंटर टाइम में बहुत ज़्यादा बर्ड्स को यार दिक्कत होती है। आप सबसे यार रिक्वेस्ट है अच्छे से जो है ना केयर करें, अपने बर्ड्स की देखभाल करते रहें। किसी के बर्ड्स को कोई दिक्कत हो रही है तो वो मुझे कमेंट करें। एंड गाइस इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। अगर वहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो करें, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय।